दोस्तों नमस्कार। आज आपको कमाल की एक मशीन दिखा रहे हैं, जो धान काटने की मशीन है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई ये मशीन कहाँ मिलेगी, और इसमें खासियत है कि ये पराली को जो है इस तरीके से छोड़ देती है कि आप बिल्कुल आसानी से जो है अपने खेत में पुले उले बंधवा सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो कमाल की चीज़ आपको दिखा रहे हैं, और हमारे लाला जी तो इसके दीवाने हो गए। इसके फीचर्स भी बताऊँगा, इसके रेट भी बताऊँगा कि वो कितने लाख रुपए की मशीन है, और आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप इसे किस पर्पज से ले सकते हो, कहाँ से इसे मंगवा सकते हो, और जो इसके ओनर हैं वे क्या रेट में इसकी कटाई कर रहे हैं, क्या रेट में चल रही है, इन तमाम चीज़ों पर बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी मुंजी शायद बरसानी नहीं पड़ती। देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल शानदार चल रही है मशीन एकदम। ये कुबोटा कंपनी की है, KR19। इसका प्राइस लगभग मेरे हिसाब से 18 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है ये, और 25-30 लाख रुपए तक इसका जो है 102 हॉर्स पावर वाला इंजन शायद मिल जाता है। ये देखो आप, ये पूरा का पूरा फाट इसने भर लिया मशीन ने। और सबसे बड़ी बात है, मैं आज आपको इस मशीन की पूरी जानकारी भाई के द्वारा दिवाऊँगा कि ये मशीन कैसी है। एक मिनट को रुकवाने की कोशिश करूँगा भाई, एक मिनट रोक लो। मैं कहा बंद कर लो, बंद कर सको तो नीचे को उतर जाओ तुम, आवाज़ आपकी फिर बढ़िया आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नवीन। नवीन, हाँ। तो ये मशीन कहाँ की है, मतलब अगर कोई किसान इससे कटवाना चाह रहा है भाई? आपका तो सिस्टम जो लेट होगा, लेकिन अगली साल अगर तुम्हें मान लो 5-7 जापान की मशीन है, और हमारा सेलिंग का भी काम है। अच्छा, बेचते भी हो? सेलिंग करते हैं। तो ये जापान से ही आती है भैया? ये जापान से, कोरिया से, ताइवान से, तीन कंट्री से आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस ये कितने हॉर्स पावर की है? ये हॉर्स पावर 90 है। KR90 HP की? नहीं, HP नहीं होता, इसका मॉडल होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कितने रुपए की होगी भैया? तो मान के चलिए फिलहाल 15 लाख। 15 लाख रुपए की सेकंड हैंड आपको मिल जाएगी, या नई की 15 लाख? नई नई तो बहुत कॉस्ट है। नई कितने की आती होगी? नई पड़ती है करीबन 44 लाख रुपए की। अच्छा, ये 44 लाख रुपए की 90 KR19 44 लाख रुपए। तो दोस्तों कमाल की बात है। अच्छा, इसका धान बरसाने की जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल साफ, ना कोई दाना वेस्ट है, पुराली बिल्कुल साफ है, जड़ में मिला के काटती है। हाँ, वो बाकी अपने खेत के ऊपर डिपेंड है, अगर किसी का उबड़ खाबड़ है तो गड़बड़ हो जाए। किसी को अगर मशीन चाहिए तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर ले लें। बताओ नंबर 9058 0389 0396 27 6 2 7। कहाँ के रहने वाले हो आप? अपना हापुड़। कौन सा गांव है? काठी खेड़ा। दोस्तों अगर कोई समस्या हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट में अपना नंबर दे देना, फिर मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। अगर आपको मशीन लेनी है, अगर आप इनसे संतुष्ट नहीं होते हो, तो कोई सलाह मेरे से लेनी हो, तो मेरा भी नंबर इसमें मिल जाएगा। बाकी कितना लीटर घंटे का डीजल ले लें? ज़्यादा नहीं, मिनिमम ज़्यादा नहीं, बढ़िया ले लें। 4-5 लीटर तो खा जाती होगी। चलो बहुत बढ़िया जी, चलाओ एक बार। और भी मशीन अपने पास 4 मशीनें और हैं, 120 है। हाँ, और 112 है। हाँ जी, 105 है। अच्छा अच्छा, हाँ 290 है। ठीक है ठीक है, आप किसी को चाहिए तो बताना, मैंने अपना नंबर दे दिया है, इस नंबर पे संपर्क करें। ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी, ठीक है। तो ये मशीन दोस्तों अब आपको मिल जाएगी। ठीक है, सामने चल रहा है मेसी फर्गुसन, चौड़े पेट वाला, मतलब चौड़े पेट वाला नहीं, पिछला हिस्सा इस मेसी का अलग है। और आपसे अनुरोध है, कमेंट करके बताना कि क्या आपने ऐसा मेसी देखा आज से पहले, और देखा है तो कहाँ कहाँ देखे, कौन कौन से मॉडल देखे हैं। बाकी एक बार मैं पास चलता हूँ, आपको पास से दिखाऊँ। ये देख सकते हो आप, इसका ये पिछला हिस्सा जो प्लांटर ड्राइव है, कितना ज़बरदस्त है ये देखो आप। और वाकई में मज़ेदार चीज़ है। और इसके जो ये पेंडल हैं, ये भी पुश पेंडल है। ये 92 मॉडल है जी, 98 तो पास है ट्रैक्टर, खुश हो आप? कहाँ तक बेहतरीन, देखो टीलर भी कहाँ चल रहा है। 24 साल से चला रहा हूँ इसे, लगातार अभी इंजन नहीं खुला इसका। 24 साल से? 24 साल हो गए पूरे। देखो ये भी एक बड़ी बात है कि इंजन में कुछ नहीं हुआ, हाफ भी नहीं हुआ। नहीं, हाफ भी नहीं हुआ अभी, अब हो जाएगा। पंप कराया, अब हाफ हो जाएगा, अब आलू का काम ज्यादा हो लगा। बड़ी एप्लीकेशन आ गई, मशीन बड़ी आ गई, बड़ी रूटर चलाना पड़ा है तो थोड़ा सा डाउन हो जाए। बाकी दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।